राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की कॉमेडी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में विजयराज, मल्लिका शरावत, अर्चना पूरन सिंह, मुकेश तिवारी, राकेश बेदी, टीकू तलसानिया जैसे किरदार भी अहम भूमिका में नजर आए। बाकी राजकुमार की सटीक पंचलाइन अपना कमाल कर रही है। इसी वजह से जिगरा के साथ क्लैश होने के बावजूद फिल्म ने कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है विक्की और विद्या यानी राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ। विक्की मेहंदी लगाने वाला आर्टिस्ट है जिसकी शादी विद्या यानी तृप्ति डिमरी से हो जाती है। दोनों अपनी सुहागरात का वीडियो बनाते हैं लेकिन अचानक घर में चोरी हो जाती है और वो वीडियो गायब हो जाता है। यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। सीरी ढूंढते ढूंढते विक्की एक मर्डर केस में फंस जाता है। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं इसके कलेक्शन की ओर। इस फिल्म ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि जिगरा को कुछ समय से ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही टी सीरीज की मालकिन दिव्या खोसला ने भी आलिया भट्ट पर आरोप लगाया है कि वो फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म के कलेक्शन के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है पहले दिन से, जो कमाई की है इन्होंने वो है 5.71 करोड़, दूसरे दिन 7.06 करोड़, तीसरा दिन 6.40 करोड़, चौथे दिन 2.33 करोड़, पांचवे दिन 2.15 करोड़, टोटल हुआ 23.35 करोड़। इस फिल्म ने अब तक 23.35 करोड़ की कमाई कर ली है। आलिया भट्ट की पॉपुलैरिटी राजकुमार राव से ज्यादा है लेकिन फिर भी विक्की विद्या जिगरा को पीछे छोड़ते हुए ये कमाल करने में सफल रही है। स्त्री 2 की सफलता के बाद ये ऐसी उम्मीद थी कि राजकुमार की ये फिल्म भी डबल डिजिट में कलेक्शन करेगी लेकिन वैसा हुआ नहीं। हालांकि दोनों की डायलॉग डिलीवरी और कॉमिक टाइमिंग के बल पर फिल्म ने कमाल कर दिया है। चंदा की भूमिका में मल्लिका ने शानदार कमबैक किया है। विजयराज के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगी है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का डायरेक्शन डायरेक्टर राज चांडलियस ने किया है जिन्हें कॉमेडी जॉनर में वैसे ही महारत हासिल है। राज इससे पहले आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल 2 और जॉन अब्राहम की वेलकम बैक जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्में बना चुके हैं।